आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। प्रेमी श्रोताओं, कि जब माँ मैनावंती ने कहती है, बेटा गोपीचंद मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तेरे पिता को काल खा गया उस तरह तुझे भी काल खा जाए। अरे तू जोग ले ले मेरे लाल, तेरी ये काया अमर हो जाएगी, फिर तुझे काल नहीं खाएगा। न्यू क्या लागे गोपीचंद की माँ, क्यों इस राज का नाश कराना चाहती हो? अरे मेरे 12 कन्या है, 16 रानी है, कोई पुत्र भी नहीं है जो मेरे जाने के बाद इस राज का अधिकारी बन सके। क्या जोग लेने से ये काया अमर हो जाती है? क्या जोग लेने से ये काल कभी नहीं खाता? कि हाँ बेटा, न्यू क्या लागे की माँ, अरे इस दुनिया में बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े महारथी नहीं रहे, फिर मेरी तो क्या गिनती है माँ? कैसे समझाते हैं, आई तेरी माँ एक ना एक दिन जरूर मरना पड़ेगा। क्या समझा लगे के? जी।
समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी लाइन में न्यू कहने लगे माँ, मैं बताता हूँ कि कौन कौन इस दुनिया को छोड़ के चलेगी री माँ। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी जिनके नाम से ये धरती भी कांपती थी, वो भी चले गए री माँ। राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर हो मां, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है री मेरी मां। चाहे मने जोग दिला ले, चाहे अंदर महलों में बंद कर ले, लेकिन जब मेरी मौत आएगी तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा री मां। क्या समझान लागे